पुरानी पेंशन को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का बड़ा ऐलान, पुरानी पेंशन लागू की तो राज्यों को चुकानी होगी भारी कीमत। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, आरबीआई ने एक बड़ा ऐलान किया है जो कि आपके सामने है और इस पूरी खबर के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें कि आरबीआई के द्वारा सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर क्या कहा गया है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आरबीआई के द्वारा कही इस बात के संबंध में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों से जिससे वो भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। तो आरबीआई ने अपने अध्ययन में कहा कि सरकारों पर 4.5 गुना तक बढ़ जाएगा पेंशन भुगतान का बोझ। नई पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू करना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। प्रमुख विपक्षी पार्टी जहां हर राज्य में इसे लागू करने की बात करने लगी हैं, वहीं केंद्र सरकार ने भी एनपीएस में बदलाव का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन कर दिया, यानी कि एनपीएस रिव्यू कमेटी का गठन सरकार के द्वारा कर दिया गया है, जो कि यह अध्ययन कर रही है कि किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के बदले ओपीएस का लाभ दिया जाए। हालांकि समिति की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तो इसी बीच आरबीआई ने सभी दलों को परोक्ष तौर पर फिर से चेतावनी दी है कि अगर एनपीएस की जगह ओपीएस को लागू किया गया तो राज्यों को भारी वित्तीय कीमत चुकानी होगी। सोमवार को आरबीआई के शोधकर्ताओं ने इस बारे में एक आलेख में साफ तौर पर कहा कि राज्यों में ओपीएस को लागू करना वित्तीय तौर पर टिकाऊ नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वर्ष 2040 के बाद राज्यों पर पेंशन भुगतान का बोझ मौजूदा स्तर के मुकाबले 4.5 गुना बढ़ जाएगा। पिछले एक वर्ष के दौरान यह दूसरा मौका है जब आरबीआई की तरफ से इस तरह की चेतावनी आई है। अब तक आरबीआई के द्वारा 2 बार ऐसी चेतावनी जारी कर दी गई है, क्योंकि कई राज्यों के आगामी चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन स्कीम एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभरने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में आरबीआई ने याद दिलाया है कि सभी राज्य सरकार अगर ओपीएस को लागू कर लेते हैं तो एनपीएस लागू करने के बाद उनकी पेंशन भुगतान का बोझ जो कम हुआ है वह खत्म हो जाएगा। चूंकि नई पेंशन योजना सही तरीके से वर्ष 2009 से लागू हुई है, इसलिए ओपीएस फिर से लागू करने का बोझ हाल फिलहाल राज्यों की जो सरकारें हैं उनको नहीं उठाना चाहिए। इसका असर वर्ष 2040 के बाद दिखना शुरू होगा। औसत आयु में वृद्धि होने से यह बोझ बाद के वर्षों में तेजी से बढ़ेगा। कुल कितना बोझ होगा यह तो बताना अभी कठिन है, क्योंकि बहुत कुछ भावी ब्याज दरों से तय होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ओपीएस को फिर से लागू करना अधिक सुधारों को पीछे ले जाने वाला कदम होगा और वित्तीय सुधार के जो फायदे हुए हैं उनको ख़त्म करने जैसा होगा। तो ये आरबीआई के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है कि यदि एनपीएस के बदले ओपीएस को राज्यों के द्वारा लागू किया जाता है तो इससे राज्य सरकारों का जो पेंशन भुगतान का बोझ है वो 4.5 गुना बढ़ जाएगा। हालांकि कई राज्यों में अभी भी ओपीएस लागू है, एनपीएस वहाँ पर लागू नहीं की गई है और कई राज्य सरकारों ने ओपीएस को फिर से लागू कर दिया है, लेकिन बीच बीच में आरबीआई के द्वारा ये चेतावनी जारी की जा रही है कि यदि राज्य सरकारें ऐसा करती हैं तो ये सही नहीं होगा। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो राजनीतिक नेता हैं और हमारे जो सैन्य कर्मी हैं, तीनों सेना के जवान हैं, वहाँ पर ओपीएस ही लागू है, वहाँ पर एनपीएस का लाभ अब नहीं दिया गया है और कई राज्य सरकारों के द्वारा भी ओपीएस दी जा रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी फिलहाल उन सभी कर्मचारियों के लिए जो कि एनपीएस के दायरे में है और ओपीएस वाले की मांग कर रहे हैं, उन सभी के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों का जिससे वो भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।